मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको है, ये तो डायबिटीज की बात हुई, हाई ब्लड प्रेशर आपको है तो आप तीनों प्राणायाम करिए, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, और हर दिन थोड़ी कुछ आयुर्वेदिक दवाएं ले लीजिए जो घर में ही है। जैसे एक बहुत अच्छी दवा आपके घर में है, दालचीनी। दालचीनी मसाले के रूप में आप यूज़ करते हैं, वो आप खाइए पत्थर में पीस के पाउडर बना के। आधा चम्मच दालचीनी रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ। और अगर थोड़ा खर्च कर सकते हैं तो दालचीनी को शहद के साथ लीजिए, आधा चम्मच शहद आधा चम्मच दालचीनी गर्म पानी के साथ, बहुत अच्छी दवा है हाई बीपी के। दूसरी और एक अच्छी दवा है, आप चाहें तो वो उसे भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक, या तो वो या तो ये। दूसरी दवा है मेथी दाना। मेथी दाना आधा चम्मच लीजिए, एक गिलास गर्म पानी में रात को भिगा दीजिए, रात भर पड़ा रहने दीजिए उसको पानी में, सवेरे उठकर पानी को पी लीजिए और मेथी दाने को चबा के खा लीजिए, ये बहुत जल्दी आपका हाई बीपी ठीक करेगा, 1.5 से 2 महीने में बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। और एक तीसरी दवा है हाई बीपी के लिए, अर्जुन की छाल। अर्जुन एक वृक्ष होता है, कहीं भी मिलता है, छत्तीसगढ़ में तो शायद हर जिले हर गांव में मिल जाता है। ये वृक्ष का जो तना होता है वहां से कुछ छाल उतरती है सूखी, वो बाजार में मिलती है, आप खरीदेंगे तो 25-30 रुपए किलो में मिलेगी, बहुत सस्ती। इस अर्जुन की छाल को धूप में सुखा के पत्थर में पीस के बना लीजिए इसका पाउडर, आधा चम्मच पाउडर आधा गिलास गर्म पानी मिला के ले लीजिए। बहुत अच्छा होगा कि आधा चम्मच अर्जुन छाल पाउडर को आधा गिलास गर्म पानी में उबाल दें और खूब उबलने के बाद इसको चाय की तरह से पिए। ये हाई बीपी को ठीक करेगा, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स को ठीक करेगा, मोटापा कम करता है ये, हर्ट में अगर कहीं आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को भी ये निकाल देता है अर्जुन की छाल। डॉक्टर्स जिनके बारे में ये कहते हैं ना कि दिल कमजोर है आपका, अगर दिल कमजोर है तो आप जरूर अर्जुन की छाल लीजिए हर दिन, दिल बहुत मजबूत हो जाएगा आपका। ESR ठीक होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छी दवा है ये अर्जुन की छाल। और एक अच्छी दवा है अपने घर में, उसका नाम है लौकी का रस। 1 कप लौकी का रस रोज पीना सवेरे खाली पेट, नाश्ता करने से 1 घंटे पहले। और इस लौकी के रस में धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, तुलसी पत्ता, 5 धनिया पत्ता, 5 पुदीना पत्ता, 5 तुलसी पत्ता मिला के 3-4 काली मिर्च पीस के ये सब डाल के पीना, बहुत अच्छा, इसे आपका बीपी ठीक करेगा और ये हृदय को भी बहुत व्यवस्थित कर देता है, काम कर देता है। और एक दवा बताता हूँ, बहुत अच्छी दवा है, बिल्कुल मुफ्त की दवा है वो तो, बेल पत्र के पत्ते। ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत काम आते हैं, आप इसको उपयोग करिए। 5 पत्ते ले लीजिए बेल पत्र के, पत्थर में पीस के बनाइए उसकी चटनी, और जो चटनी बन गई बेल पत्र के पत्ते की, उसको 1 गिलास पानी में डाल के खूब गरम कर दीजिए, इतना गरम करिए कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पी लीजिए, ये सबसे जल्दी हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। और ये बेलपत्र आपके शुगर को भी नॉर्मल कर देगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों है उनके लिए ये सबसे अच्छी दवा है बेलपत्र, शुगर भी ठीक होगी ब्लड प्रेशर भी ठीक। गाय मूत्र पिए 1/2 कप रोज सुबह खाली पेट। हमारी भारत की जो गाय है जिसको हम देशी गाय कहते हैं, स्वदेशी गाय कहते हैं, इसका 1/2 कप मूत्र रोज सुबह खाली पेट कोई भी पिए, हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होता है।
और ये गोमूत्र बहुत अद्भुत है, ये हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, ये लो बीपी को भी ठीक कर देता है, दोनों में काम आता है। और यही गोमूत्र डायबिटीज को भी ठीक कर लेता है। अगर आप खाली गोमूत्र पी रहे तो आपकी शुगर भी ठीक होगी, बीपी भी ठीक होगा, और ये गोमूत्र पिए ना तो घुटने का दर्द भी ठीक होता है, अर्थराइटिस, गाउट दोनों ठीक होते हैं। ये अगर गोमूत्र आप पी रहे हैं तो दमा भी ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है, ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो जाता है गोमूत्र से। कुछ और बीमारियों की बात करूं, अभी हाई बीपी तो हो गया, इतनी दवाएं, लेकिन बस मेरा निवेदन है कि जितनी मैंने दवाएं बताई हैं इनमें से कोई एक ही लेनी है आपको,